हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ एजुकेशन हब। और मैं हूँ अंशुल धीमान। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं हमसे बात करने वाली हूँ आपसे हमारा जो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। ओके, यानी कि आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म की, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को जो है रिवॉर्ड करने के लिए की गई है। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या और इसमें आखिर इम्पोर्टेंट क्या है, यानी कि आखिर इसमें आपके लिए क्या है, क्यों ये इतनी ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, ये जो स्कीम है ये हमारी टैक्स प्रणाली में सुधार लाने के लिए है और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए है। और ये जो न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका जो नाम है वो होगा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो ये आपको इसका नेम याद रखना है। तो ये जो स्कीम है, इसका जो उद्देश्य है वो उन टैक्स पेयर्स को सम्मानित करना है जो टैक्सेस के प्रति सिंसियर है। ओके, और ये जो आयोजन किया गया है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है ये आयोजन। और इसको जो है आयोजित करने के लिए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री जो है निर्मला सीतारमण और वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी उपस्थित रहे। ओके, तो अब हम देखेंगे आखिर ये प्लेटफॉर्म है क्या। अब इसके देखिए फ्रेंड्स, जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें जो है तीन फैसिलिटीज़ जो है स्टार्ट की गई है। फर्स्ट है आपकी फेसलेस असेसमेंट, सेकंड है फेसलेस अपील्स एंड सेकंड है टैक्स पेयर्स चार्टर। ओके, तो अब हम ये जो है सबसे पहले जो ये आपका अपील है, टैक्स फेसलेस अपील है, जो इसको जो है 25 सितंबर से 25 सितंबर से आपकी जो है ये स्टार्ट की जाएगी फेसलेस अपील। ओके, जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, उस दिन इसको अप्लाई किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये फेसलेस टैक्स सिस्टम है क्या और इसकी सुविधा क्या होगी और इसमें क्या होगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं फेसलेस का मतलब। तो देखिए, जो ये फेसलेस स्कीम है, ये टैक्स आखिरकार ये टैक्स पेयर जो होते हैं, टैक्स पेयर है कौन और आयकर अधिकारी कौन है, उसमें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। पहले शहर का ही जो है आयकर विभाग है छानबीन किया करता था, लेकिन अब किसी भी राज्य या शहर का अधिकारी कहीं भी कहीं की भी जांच कर सकता है। और ये सब जो है ये सब भी कंप्यूटर से डिसाइड होगा कि कौन सा टैक्स असेसमेंट कौन करेगा, यहाँ तक कि असेसमेंट से निकला रिव्यू भी किस अधिकारी के पास जाएगा ये किसी को पता नहीं होगा। और इसका जो है सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अधिकारियों से जान पहचान बनाने और दबाव बनाने के हथकंडे जो है वो नहीं चलेंगे। और इससे जो है अनावश्यक जो है मुकदमेबाजी से भी बचा जा सकता है और उन लोगों को इसमें दिक्कत होगी लेकिन जो गलत तरीके से अपनाते थे और टैक्स नहीं भरते थे। तो ये था हमारा फेसलेस का मीनिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो ये है फेसलेस अपील क्या है। ओके, ये भी आपका बताया मैंने, ये भी सेकंड पॉइंट था आपका कि फेसलेस अपील क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पीएम मोदी जो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के तहत ही फेसलेस अपील की भी सुविधा स्टार्ट करने की बात कही है उन्होंने, जो कि 25 सितंबर से जो है लागू करेंगे, यानी कि इसको अपील को कर सकते हैं। तो इसके तहत जो है टैक्स पेयर्स हैं वो अपील कर सकते हैं। और इसके फेसलेस होने का मतलब ये है कि किसी अधिकारी को पता नहीं चलेगा कि अपील वाला शख्स कौन है। और क्योंकि जब सब कुछ कंप्यूटर से डिसाइड होगा तो किसी भी जो है किसी चहेते के पास केस, चहेते यानी कि जो हमारे जानने वाले होते हैं उनके चहेते के पास जो है केस या अपील को नहीं भेजा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट बात आती है आपकी टैक्स पेयर चार्टर। आखिर ये टैक्स पेयर चार्टर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पीएम मोदी ने टैक्स पेयर चार्टर को देश की विकास यात्रा में एक बड़ा कदम कहा है और उन्होंने बोला है कि ये जो टैक्स पेयर के अधिकार और कर्तव्यों को बैलेंस करने का एक कदम है और टैक्स पेयर को इस लेवल का सम्मान और सुरक्षा देने वाले जो ये देश हैं जो हैं देश काफ़ी कम हैं और अब इसमें जो है भारत भी शामिल हो गया है। तो जो है ये टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। अगर किसी टैक्स पेयर को अगर किसी पर शक है तो उसे अपील और समीक्षा का अधिकार दे दिया गया है। और इस चार्टर में जो है टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई है और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने जो कि पीएम है उन्होंने ऐसा बोला है कि टैक्स देना और सरकार के लिए टैक्स लेना हक का विषय नहीं बल्कि ये दोनों की जिम्मेदारी है। टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है, बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है और इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर्स को भी बहुत सुविधाएँ प्राप्त होंगी। तो अब ये था, अब नेक्स्ट बात मैं आपको एक और बता देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, जो ये एक बात और है, सीमलेस पेनलेस और फेसलेस टैक्स,
यानी कि ये कैसा हो? तो देखिए, पीएम मोदी जी ने बताया है कि देश में टैक्स को भी जो है कम कर दिया गया है, यानी कि अब जो है 5 लाख पर है आय पर टैक्स ज़ीरो है, बाकी स्लैब पर भी जो है टैक्स कम हुआ है। देखिए, कॉरपोरेट टैक्स के मामले में जो है हम दुनिया के सबसे कम टैक्स लेने वाले हैं, और सरकार इस कोशिश में लगी है अब कि जो टैक्स है वो सीमलेस, पैनलेस और फेसलेस हो, और जो है जो आय से लागू, आज से लागू होने वाले हैं ये सुधार, और इस सोच को भी अब बढ़ाने का होगा। तो ये भी आपको नोट करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट बात आती है 6 साल में फोकस मिनिमम गवर्नमेंट पर, तो ये भी है। देखिए, इसके साथ ही उन्होंने अपने 6 साल का लेखा जोखा भी दिया है, और उन्होंने बताया है कि बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है, और आज एक तरह से ये एक नई शुरुआत हो रही है। और देखिए, फिर ये है ईमानदार का सम्मान, यानी कि देश का ईमानदार टैक्सपेयर जो है राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब टैक्सपेयर्स का जीवन आसान बनता है, वह आगे बढ़ता है, तो देश भी आगे बढ़ता है। और आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है, और देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने जो आपके व्यू पॉइंट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ओके? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।